तो हेलो मेरे नेलोस, तो मैं आपके लिए टोक्यो रेंजर्स रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आशा करता हूं वीडियो को पसंद आया। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, उसे कमेंट करना और बात सब्सक्राइब की। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले क्लिक निकाल लो, टेबल से फोन उठा लो, डिस्कॉन लगा लो कि ये वीडियो की सबसे अलग धलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। लेकिन इससे पहले थैंक यू, तुम लोग मेरी वीडियो पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इतने बढ़िया आइडिया देते हो, भाई तुम्हारे पास इतने आइडिया आते कहाँ से। तो भाई आज की ये वीडियो होगी एक ऐसे बंदे के आइडिया पे जो कि भाई साहब तावर तोड़ आइडिया, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इस बंदे ने बोला था कि अगर ट्रैकन अभी भी जिंदा होता और तोमान वर्सेस कांटोमांजी गैंग में होता तो क्या होता, उसी पे वीडियो बनाओ। तो भाई तुम्हारा लेके आ गया एक और बढ़िया वीडियो, और मैं इसलिए सब लोगों के कमेंट दिखाता हूँ कि लोगों को लगे कि हाँ भाई तुम्हारे पास भी कुछ चीज़ है जो कि भाई किसी और के काम आ सकती है, तुम्हारे वो आइडिया। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आइडिया, तो भाई आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई तो सबको बांटो मगर ऐसे बंदे को मत देने को कोशिश करना जिसको ज़रूरत है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेलो मेरे एनिवर्स, तो जैसे जानते हो भाई टोक्यो रिवेंजर्स में भाई सब बहुत डेथ हुई है जिनकी वजह से भाई पूरी तरह से फ्यूचर चेंज हो सकता था अगर वो लोग नहीं मरते। उसी तरह से एक डेथ आती निकल के जो कि थी हमारे ड्रैगन की, जो कि 3 डेटिस वॉर से पहले हुई थी। अगर सोचो कि भाई ड्रैगन मरता नहीं तो हमारे कांटो मांझी गैंग पे और टोक्यो मांझी गैंग जो कि वर्सेस हो रहा है उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता। तो आओ देखते हैं क्या होता। तो भाई सबसे पहले देखो, अगर टोक्यो मांझी गैंग और कांटो मांझी गैंग की अगर लड़ाई के बीच में अगर पहुंचना है तो सबसे पहले सुभाष स्थल इस्तेमाल शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही सारा मुद्दा होता। तो हमारे 3 डेटिस वॉर से पहले भाई हमारे ड्रैगन को लग गई थी गोली, वो मर गया था, लेकिन अब हम इसको चेंज करेंगे। तो 3 डेटिस वॉर में भाई हमारे ड्रैगन को गोली लगती है लेकिन भाई छू के निकल जाती है और भाई हमारे ड्रैगन बच जाता है, उन बंदों को पीट के भगा देता है, जिसकी वजह से हमारे हानागा की जान बच जाती है। और उसी टाइम भाई 3 डेटिस वॉर स्टार्ट होती नहीं, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे ट्रानोसॉर्स ने देखा कि भाई हमारा ड्रैगन मर चुका है, उसी टाइम उसने भाई दे दिया ऑर्डर कि भाई चलो मारने के लिए। तो वहाँ पे जब 3 डेटिस वॉर स्टार्ट होने वाली थी तो हमारे रुकुहारा टेंडाई के बंदों को देख के हमारी ब्राह्मण गैंग पहुँची थी, और ब्राह्मण गैंग और रुकुहारा टेंडाई गैंग को देखने के बाद भाई हमारी माइकी की टीम पहुँची थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि मतलब भाई अगर हमारा ड्रैगन नहीं मरता तो भाई हमारे 3 डेटिस वॉर तो होती नहीं, मतलब फ्यूचर तो पूरा बंदा चेंज हो ही जाता। अगर मान लो अगर होती भी 3 डेटिस वॉर तो उसमें भाई ब्राह्मण बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज में होती, कि जिस तरह से भाई हमारे ड्रैगन की पावर है वो भाई रुकुहारा टेंडाई के S62 जनरेशन अपने आप अकेले खा सकता था, क्योंकि भाई उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। शायद हमको इस फाइट में भाई हमारे ट्रानोसॉर्स वर्सेस ट्रैकन देखने को मिलता, और शायद हमारे राइट हैंड की भी लड़ाई हो जाती जो की थी भाई हमारे काकुचो और हमारे ड्रैगन की। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही मतलब ताबड़तोड़ हो जाता अगर हमारा ड्रैगन जिंदा बच जाता। अगर फिर भी हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर हमारा यहाँ पे ड्रैगन बेहोश भी हो जाता, हॉस्पिटलाइज भी हो जाता, लेकिन उसके बाद क्या होता। जैसे कि जानते हो भाई टोक्यो मांझी 2nd जनरेशन गैंग बनी थी, तो उसके लिए भाई हमारे बहुत लोगों ने भाई योगदान दे दिया था, मतलब मिस सोया ने तो भाई अपने आप को पूरी तरह ड्रैगन बना दिया था। तो भाई जिस तरह से अगर ड्रैगन नहीं मरता तो भाई मिस सोया का वो रूप किसी को नहीं दिखता, और भाई ना ही वो उसके अंदर इतनी भाई ताकत आ पाती कि मतलब उसके बारे में सोच के, क्योंकि वो फिर भी पेंटर बना रहता है, क्योंकि हमारे ड्रैगन ने उसे मोटिवेट किया था कि भाई तुम अपनी फोकस करो कि भाई कि तुम्हें फैशन डिज़ाइनर बनना, तो भाई वो उसी पर फोकस करता। और बाई चांस अगर वो टोक्यो मांझी गैंग 2nd जनरेशन बन भी जाती तो उसका भाई लीडर होता हमारा ड्रैगन, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो हमारे लीडर के बाद एक वन ऑफ द बेस्ट बंदा एक ही आता है, वाइस कैप्टन, जो कि भाई हमारा ड्रैगन था, उसके पास ज़्यादा ताकत थी हमारे टोक्यो मांझी गैंग में। तो इस तरह से भाई हमारा ड्रैगन उसको लीड करता, लेकिन छोड़ो इसको भी चेंज कर देते हैं, उसकी जगह करते हैं हमारा ताकि मिच्छी लीडर बना वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह। फिर इसके बाद भाई हम लोग करते हैं टोक्यो मांझी गैंग वर्सेस कांटो मांझी फाइट, जो कि भाई हाल ही में हो रही है। तो उसमें भाई कैसे थे हमारा ड्रैगन इफेक्ट करता, तो जैसे जानते हो कि भाई हमारा ड्रैगन भाई सबसे आगे रहता है हर चीज़ में, मतलब लड़ाई करने में भाई सबसे आगे रहता है। उसी तरह से भाई अगर हमारे ड्रैगन अगर लड़ाई करते करते आगे बढ़ता तो भाई हमारा सांजू बीच में आता जो कि उसे पीटने के लिए आता, और भाई सांजू को 2-3 पड़ने के बाद भाई वो एक्सीडेंट ही टल जाता जो हमारा होने वाला था, जो कि हमारे टोक्यो मांझी गैंग को भाई मारने के लिए हुआ था, होने वाला था, तो वो ट्रेन एक्सीडेंट ही नहीं होता क्योंकि सांजू वहाँ पे बेहोश पड़ा होता क्योंकि वो नॉक हो चुका था। और ताकीमिची को विजन आता है नहीं, और हमारे ताकीमिची शायद हमारे काकुचो के साथ लड़ाई करता नहीं, क्योंकि हमारा ड्रैगन हमारे सांजू को पीटने के बाद वो सीधा और आगे बढ़ता उन बंदों की तरफ, मतलब हमारा काकुचो भी आगे बढ़ता
उन बंदों की तरफ जो कि भाई बहुत ज़्यादा मार पीट रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही एग्रेसिव लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा ही डैमेज दे रहे हैं, तो उनकी तरफ बढ़ता जो कि भाई ड्रैगन की तरफ बढ़ता। और भाई हमारे काकू चोकी भी डेथ नहीं होती अगर ड्रैगन बच जाता, तो भाई एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट है कि मतलब अगर ऐसा होता, अगर ड्रैगन नहीं मरता तो किसी और की भी जान बच सकती थी। इस फाइट में भाई पूरी तरह से 99.9% मैं कह सकता हूँ कि हमारे माइकी को छोड़ के भाई सारे बंदे आराम से ही पेले जा सकते थे अगर भाई ड्रैगन मरा नहीं होता, क्योंकि ताइजी शिबा ने तो भाई हमारे लेजेंडरी ड्रो को तो ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ताइजी शिबा अभी अवेलेबल है भाई हमारी फाइट में, जो कि भाई अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो इससे हम लोग को पता लगे अगर हमारे ड्रैगन की डेथ नहीं होती तो भाई पूरी तरह से हमारे रुख चेंज हो सकता था भाई हमारे कांटो मांझी गैंग और टोक्यो मांझी गैंग की फाइट की। कैप्टन का भाई मतलब कैप्टन कोई भी, दोनों में से कोई भी बन सकता था, लेकिन अगर हमारे कैनवाकू को देखा जाए तो वो तो वो चाहते थे कि हमारे ताकीमिची और माइकी को भाई लीड रोल मिल जाए, क्योंकि वही मेन बन गया। तो उससे भाई हमारे कांटो मांझी गैंग और टोक्यो मांझी गैंग की लड़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, जो कि भाई हमारे माइकी को 1v5 या 1v4 करने का मौका मिलता, लेकिन भाई वो कर नहीं पाता क्योंकि ताकीमिची को भाई हमारे माइकी के पास में नजर। और भाई हमको कंफर्म ये तो फाइट जरूर दिखाई जाती कि हमारे ताकीमिची वर्सेस होगा माइकी। तो यही पे खत्म होते हैं एक और वीडियो खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, उस लेट कमेंट करना। भाई मैंने इसमें भाई पूरा जमा घटा लगा दिया था, क्योंकि उस बंदे ने कमेंट में बोला था कि अगर हमारे कांटो मांझी गैंग और टोक्यो मांझी गैंग की लड़ाई होती तो क्या होता, सोचो अगर ड्रैगन जिंदा होता तो, मतलब ऐसे उसका कमेंट था। लेकिन भाई उसने शुरुआत से नहीं बोला था, इसलिए भाई अगर मैं थोड़ी लाइन लेता तो भाई वीडियो बहुत छोटी बन जाती, इसलिए मैंने थोड़ी लाइन ऐड करी, जिसकी वजह से आपको मज़ा भी आए और आपको पता भी चले कि क्या ही क्या क्या चेंजेस हो सकते थे। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आते रहे। बाय बाय स्वीटर टाइगर, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में। बाय बाय यार। उससे पहले अगर तुम गर्लफ्रेंड मतलब सीरीज देखना चाहते हो ना, मतलब डबिंग में, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हेल ऑफ डबल्स का, जाओ देख लो, क्योंकि मैंने अभी तक की इसकी भाई सारी वीडियो देख रखी है। तो अगर तुम्हें अच्छे लगे तो भाई करो, वरना नहीं करो, वरना मेरा क्या, तुम एक अच्छे एनिमे मिक्स कर रहे हो। तो बाय बाय स्वीटर टाइगर, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में। बाय बाय।